रोजे की पहली इफ्तारी रहमान रहीम अल्लाह बोले देता भी नहीं इससे पहले तो मुंह में। खुशखबरी ये है गाइस कि रमजान के मौके पे हम लोगों ने हमारे ब्रांड पे लगाया है सेल, जिसको कहते हैं रमजान सेल। कि जैसे बचपन में मैं और नौशीन थे, वैसे ही यहाँ पर अब्बा के हाथ में आइजल है और मम्मी के हाथ में जोहान है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का निहान की नोक जोक बड़ी छोटी सी दुनिया में। तो गाइस अभी कुछ हुआ यहाँ पर, लोग ने बोले क्या लोग ने हाथ पकड़े। हाँ सो ये देखो गाइस, माशाल्लाह दोनों बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, पहला रोजा है, पहली सहरी है। वाओ माशाल्लाह दोनों का गठबंधन हो गया भाई बहन का माशाल्लाह। फिर से पकड़े वो उधर वेटी कर रही है, उसका हाथ पकड़ लिए। तो चलो कोई बात नहीं। सो गाइस फाइनली अब वक्त आ गया है सहरी का, बच चुके हैं गाइस ढाई, और अभी जाके मुझे सहरी का सारा सामान खरीदना पड़ेगा, नहीं तो और मैं साथ में जाने वाले जोहान जब सो जाएगा उसके बाद, क्योंकि गाइस तीन सुलाएंगे ना, उतना कुछ तो करना पड़ेगा उसको अपने को, है कि नहीं। तो जोहान जब सो जाएगा उसके बाद और मैं सहरी लेने जाएंगे, क्योंकि गाइस 3 बजे के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि सब लोग उतरते हैं रात में। तो यहाँ पर क्राउड इतना है ना गाइस माशाल्लाह, कि लोग उतरते एक साथ खरीद के चले जाते, तो क्वांटिटी ज्यादा बचती नहीं है। तो अभी चलते हैं हम लोग दोनों। अभी ये कैसा देख रही मेरे को बार बार, ये क्या है रे गाइस। अभी आइजल ने क्या की पता है आपको, आइजल ने ऐसा है ना, इसके अंदर सो रही थी ये वैसा, ठीक है। तो मैं बोला ये तो पागल है, तो सब बाहर निकली भुजुक करे कौन है बोल के कभी भी हंस रही है, ए टकली। तो गाइस माशाल्लाह से दोनों बच्चों की पहली सहरी है, पहला रमजान रोजा। ओ आ गई काली, आ गई मिल गई, मिल गई मलाई, मिल गई चोला, मेरे नहीं लाई तो कैसी गाइस देखो सही हेड कमेंट करते हो। कौन सी मलाई, अभी रबड़ी लेके आई है नौशीन, मलाई ये कुछ ही बोलता हूँ, खोल खोल चका नहीं मेरे को ऐसी खाने का था इसलिए लेके ये जैसे लाइट नीदा, चलो जी जाके आएंगे तो गाइस नौशीन भी जा रही है अपने ससुराल, तो जैसा नीदा आई है अपने ससुराल वैसा ये भी जा रहा है अपने ससुराल। देखिए अरे कॉपी कैट, ये हमेशा कॉपी करती है। सही बात है, सही बात, हाँ सही बात है माशाल्लाह। मेरी प्यारी सी बहन चल ए ते को भी मारूंगा। तो गाइस हम निकल चुके हैं सहरी ढूंढ रहे, क्योंकि नौशीन ने थोड़ी गांव में थोड़ी आया, अरे तो नौशीन ने बोली ना मलाई खत्म हो गई है सब जगह पर, तो अभी ढूंढना ही निकले ना कि कहाँ पे अवेलेबल रहेगी। अभी वो नौशीन ने जहाँ से ली वहीं से लेना पड़ेगा अभी। हाँ तो अभी इसको फोन लगा रहे पूछने के लिए कि कहाँ से ली, और इसने बोला था कि नहीं अच्छी है, पर अभी क्या करे, लेना मजबूरी में लेना ही पड़ेगा। नाक नहीं लगाने का कोई भी चीज से, खाना हो या कुछ भी हो, हर बार हमेशा यही बोलने का कि जो मिला अल्लाह का शुक्र करके खा लेने का। नौशीन का फोन तो बंद आ रहा है, तो दूसरा नंबर है उसका, नौशीन न्यू है क्या, अभी 4-4 नंबर है मेरे पास नौशीन के, बताओ। जैसे से हमको मिल गई है मलाई की शॉप, मलाई की शॉप मिल बड़ा, मलाई नहीं मिली अभी तक, वहाँ जाके पूछना पड़ेगा। तो जाओ ना तुम, क्या कब वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए आए हो क्या यहाँ पे, देख रहा तुम व्लॉग खत्म करोगे तब जाऊंगा। अच्छा जाओ। तो गाइस हम लोग सुभान को पहली बार अम्मी के पास छोड़ के गए, खत्म ही है, झूठ बोल रहा है अम्मी, गया ही नहीं लेने के लिए, यहाँ नाके की बेकरी के पूछा की लंबे पाव है क्या। देखो अम्मी ने बोले थे तो लाना चाहिए था, मिली थे मलाई भी, कितनी मिली थे रोटी है ना, अरे लेकिन अभी ब्रेड भी नहीं लिए, अल्लो अम्मी आपके लिए ब्रेड भी नहीं लिए, ब्रेड तो यही मिल जाएगा, चलो निकलो चलो चलो। तो अम्मी आपको सोहान ने परेशान तो नहीं किया ना, सो रहा था ना साबरीन बच्चे क्या अरे वाह चलो अच्छा है, अभी दादी के पास भी रहेगा, ये नानी के पास भी रहेगा, अभी हम लोग मस्त घूमेंगे जब भी आएंगे तो। पर बच्चा दूध पी ले रहा तो बच्चा नहीं सताता, नहीं सताता है। हाँ खाली पेट रहेगा तो तकलीफ होगी, कोई तो ही बच्चा सताता है, सही बात है। वैसी हाँ चलेगा। तो गाइस मैं मम्मी के लिए ब्रेड और टोस्ट लेकर आ चुका हूँ, गाइस यहाँ पर है ब्रेड और टोस्ट पड़ा हुआ है। चलो मम्मी फटाफट, लंबे पाव नहीं मिला मम्मी तुमको, मैं बोला था जल्दी मेरे को जान दो, तुम जल्दी जाने दिए नहीं मेरे को। अब फटाफट मम्मी मेरा अंडा बनाएंगे गाइस, और मैं अंडा खाऊंगा, चाय पीऊंगा और सो जाऊंगा गाइस, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा भी सहरी में खाओ तो अच्छी बात नहीं है गाइस। मैंने बोली थी तुमको मैं अंडा बना के देती हूँ, बट You don't want to eat नहीं, मैं माँ के घर पे आया तो मैं माँ के हाथ का खाना चाहता हूँ, मुझे माँ का पसीना पसंद है, समझे तुम्हारे पसीने में मजा नहीं रही अभी
पूछना, हम दोनों को पसीना नहीं आता है। आता है सबको, नहीं आता है। वो तुम, अब तुम्हारे खाने में बनाने में पसीना आता होगा, समझे। मैं हर साल बचपन से कहते हुए आ रहा हूँ कि गाइस अगर आपको रोजे में खट्टी डकारे आए, सीने में जलन हो या आपको मचलाहट हो सीने में, तो गाइस ये सहरी है, तुम्हारे अब्बा का वलीमा नहीं है जो इतना ठूस ठूस के खाते हो। गाइस नॉर्मल खाओ, नॉर्मल खाना खाओ। सुफियान क्या क्या खाता है? सुफियान अंडा खाता है और अंडे के साथ मलाई खाता है। मलाई खाता है, सेम अंडे के निवाले में मलाई डाल के खाता है, वो भी मीठी वाली। हां तो इसके अब्बा का वलीमा है। और फिर मलाई वाला अंडा, और फिर और चाय टोस्ट, बस ये बस होता है। हां बस है जो मिलता, ये नॉर्मल है। लोग गुड़गा कलेजी पाया मच्छी झींगा बिरयानी क्या क्या खाते लोग सुबह सुबह, है ना, सीख कबाब वगैरह लोग। गाइस जो जो लोगों को आप पहचानते हो जी, जिसने ये चीज खाया है शहरी में, प्लीज कमेंट करके उनका नाम जरूर बताना ताकि इसको पता चले कि लोग खाते हैं। चीज का अंडा खा रहे हो? आज खाऊंगा ना, क्योंकि तुम्हें लत लगा है मेरे को चीज की, समझे ना। लेकिन हैवी पड़ेगा, हैवी पड़ेगा तो पढ़ने दो ना, मैं सुला दूंगा उसको। कभी उठने वाला जोर में उठूंगा मैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। अभी कभी मगरिब में उठोगे, ऐलान होगा कि मुआद दोगे जैसी अल्लाह। वाह वाह वाह, ट्रेडमार्क किसी पे इज्जत करी मेरी, देखिए कैसे किस कर देते ये जलन जलन। केले के ऊपर जलन खजूर रखता था गाइस ना, केले के ऊपर है ना थोड़ा सा खजूर रखता था, क्योंकि ये बोलते कि खजूर पहले खाना चाहिए ना, तो अक्खा केला खा लेते। तो हम लोग बोलते थे कि वो बोलते थे कि हां खजूर गया ना पहले, पहले खजूर में ज्यादा जरूरी था, तो खजूर गया। वो खाने के टाइम बैठेगा तो खजूर के छिलके निकालेगा, फेंकेगा, निकाल के उसको अंदर का खाएगा, केले के ऊपर रखे अल्लाह अल्लाह चर्चे है मेरे। ओ माय गॉड वाओ, चलो फटाफट खाना खाते और सोते। सोते नहीं गाइस, फजर की नमाज पढ़ते हैं। ये सच्चाई निकली है गाइस, फजर की नमाज पढ़ते हैं और फिर सोते। ये अम्मी को भड़का रहा है चीज के लिए, गाइस देखो ऑन कैमरा कॉट हो गया, ये मलाई अंडा खाता है। तुम खाओ ना, अरे मेरे को नहीं चाहिए, तुम खाओ, तुम चाहो एक चाको भी मिल जाए। सबको भड़का रहा है एक चाको के लिए, हैवी पड़ेगा। अरे क्या हैवी पड़ेगा, मदद में चर्बी कितनी भरेगी, खाए नहीं ऊपर से पहले बोल दिया हैवी पड़ेगा। क्या सही बात है ना, तुम चीज खा रहे हो तो सबको खिलाने का तुम्हारे को। अरे मैं चाहता हूँ सबको टेस्ट मिले, मैं अकेला टेस्ट नहीं लूं, समझे। बेचारे अब्बा नींद में से उठ के सहरी करने का भी जा रहे अब्बा। फाइनली मौलाना जुहान भी उठ चुके हैं सहरी करने के लिए, और वो अजान देने के लिए उठे हैं ये कहने के लिए, हजरात सहरी का वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है। जुहान हाफिज जी जरा बोलिए, हजरात सहरी का वक्त खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है, ठूसना बंद कीजिए। तो गाइस सहरी हो चुकी है माशाल्लाह, और अभी भी सहरी का वक्त खत्म होने में आधा घंटा है, तो अभी हम लोग थोड़ा बैठेंगे एडिटिंग करेंगे और उसके बाद जाएंगे नमाज पढ़ने, और फिर आपको डायरेक्ट मिलेंगे जोहर में। सो गाइस फाइनली मैं ब्रांड का काम पटा के आ चुका हूँ यहाँ पर, और जैसे ही मैं घर पे आया मैंने देखा कि मम्मी ने इफ्तारी की तैयारी कर चुके हैं, और यहाँ पर अब्बा व्लॉग लेने के लिए खड़े, रेसिपी व्लॉग बना रहे हैं। हर साल का मम्मी को पता है कि मैं कटलेट खाता ही खाता हूँ, तो मम्मी अलग अलग तरीके कटलेट बनाते, तो अभी आज क्या, इस बार क्या बनाया तुमने? रशियन कबाब है, मेरी कटलेट नाम डाल दे तुम लोग। तो रशियन कबाब में क्या होता है, रशियन चीज होती है कटले, ये है रशियन कबाब बनाने। मम्मी यार आज सही में गाइस देखिए सच्ची माँ, सुबह चीज नहीं खाना चाहिए था सुबह। गाइस जब मैं उठा 10:30 बजे चीज है ना मेरे मुँह में आ गया, कसम से मैं बोल रहा हूँ, कसम से। तुमको आया वापस अंदर ले लिया, वापस हो गया मैं बोला भगाओ चीज को, जान दो ऊपर ही रहे तो ऊपर ही रहे। दो खाया मैं आधी अम्मी को दे दिया, मैं भी शाना होना, मैं जितना मेरे पेट को हजम होता है चीज था, तो नमक चीज में रहता है नमक। तो गाइस फाइनली इसकी जो रेसिपी है वो अब्बा बना चुके हैं, तो वो रेसिपी आप लोग को इन लोग के ब्लॉग में देखने मिलेगी। क्या क्या की रेसिपी बता ले हो तुमने, एक कटलेट की, कटलेट की परसी जाएगी, फिर बोले कटलेट, देखे समोसे की, देखे फिर गलत बोले, खुद को भी नहीं पता है, देखो ना वो कल जाएगी। हाँ क्या वो लॉलीपॉप, और ये परसू जाएगी, क्या ये क्या है, ये कटलेट है, देखे फिर कबाब। तो चलो ठीक है गाइस बैठते हैं इफ्तारी करने। गाइस बहुत टाइम बाद, मतलब हर साल ऐसा दिन आता है कि इंसान 30 के 30 दिन एक साथ इफ्तारी करने बैठा है, माशाल्लाह गाइस ये रमजान की बरकत है, रमजान की रहमत है, और अंदर जुहान भी खाना खा रहा है। गाइस तो आप लोगों को निदा से भी मिलवाएंगे आफ्टर जुहान की मील।
फाइनली जोहान जिद पे आ चुका है गाइस। ये आज इतनी जिद कर रहा है, पता नहीं इसको क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा जिद कर रहा है, सुन ही नहीं रहा बात किसी की भी। क्या चाहिए जोहान को? और गाइस जोहान ने आज फुटबॉल के कपड़े पहने, वाह, जो आरती ने दी थी, आरती आंटी। तो गाइस अभी अब्बा की ड्यूटी होने वाली है यहाँ पर अपना फ्रूट काटने की। चलो अब्बा तुम्हारी ड्यूटी हर साल की है लेकिन फ्रूट काटने की, चलो बैठियो आ जाओ। चलो गाइस थोड़ा बेबी फ्रूट काटता हूँ। निदा तुम एक काम करो, तुम नीचे बैठियो, मैं जोहान को पकड़ लेता हूँ। हाँ लाओ दो। तो गाइस जोहान को मुझे थमा दिया गया है यहाँ पे, निदा अपना कर्तव्य निभाते हुए फ्रूट काटने का काम करते हुए। जल्दी-जल्दी जोहान को सुलाओ। अबे वो मेरे से नहीं सोता है, वो तुमसे ही सोता है। गाइस बैठ चुके हैं हम लोग रोजे की पहली इफ्तारी। फाइनली मैंने जोहान को, मैंने निदा को दे चुका हूँ और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये लोग जो बात करते हैं केले के साथ खजूर खाने की, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आवाज सुना मेरे गोद से क्या रोना चालू, जैसी अजान होने वाली रहती है उसके पहला क्या करता हूँ मैं, केला छीनता हूँ, केले के ऊपर खजूर रखता हूँ। अजान दो, अल्लाह बोले देता मैं इससे पहले के मुंह में, अल्लाह का नाम मांगने खजूर पहला जाना चाहिए। क्या बोलते, खजूर और नमक से रोजा खोलना, खजूर पहला मुंह में गया, केला बाद में गया, तो हो गया। सो गाइस फाइनली हमारी इफ्तारी हो चुकी है, हम लोगों ने नमाज पढ़ ली है, सब लोग रेडी वेडी हो गए और यहाँ पे नौशीन भी आ गए आयजल को लेके और आयजल को सुला भी दी इसने गाइस। तो गाइस बस अभी आज का व्लॉग यहीं पर एंड करने का वक्त आ गया है। बट गाइस व्लॉग एंड करने से पहले हमें आप लोगों को एक खुशखबरी सुनानी है गाइस। खुशखबरी ये है गाइस कि रमजान के मौके पे हम लोगों ने हमारे ब्रांड पे लगाया है सेल, जिसको कहते हैं रमजान सेल। तो गाइस ये रहा हमारा रमजान सेल स्पेशल ऑफर बिग सेल। गाइस आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोग पहुंच जाओगे सेल, अरे क्लिक नहीं हो रहा, हो गया। तो गाइस आप लोग पहुंच जाओगे सेल पे, तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो सेल लगा हुआ है गाइस, रमजान सेल है, हर प्रोडक्ट पे गाइस बहुत सारा डिस्काउंट है, जो जो आपके फेवरेट प्रोडक्ट्स है तो गाइस जाओ और फटाफट खरीद लो, आउट ऑफ स्टॉक हो जाओ इसके पहले, बहुत सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। तो प्लीज गाइस जल्दी जाओ, बाद में नहीं बोलना कि इसको रीस्टॉक करो, क्योंकि रीस्टॉक करना गाइस बहुत ज्यादा मुश्किल है गाइस। तो चलो मिलते हैं। एकदम से डेजा वू होने लग गया है कि जैसे बचपन में मैं और नौशीन थे वैसे ही यहाँ पर अब्बा के हाथ में आइजल है और मम्मी के हाथ में जोहान है। ऐसा लग रहा है तुम लोगों को बताओ, है ना, वही दिन याद आ रहे ना, तुम्हारा बचपन नहीं हम लोग के बचपन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर खा रही है गई। तो माशाल्लाह गाइस बहुत अच्छा लग रहा है कि दोनों हमारे मम्मी डैडी है, उनके पास उनके बच्चे पोते और नवासी है गाइस। तो माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है, वो भी रमजान का महीना, इतना बड़ा महीना, और माशाल्लाह गाइस मतलब है ना, कसम से मेरे को वर्ड्स नहीं आ रहे बोलने का, तुम लोगों को देख के ऐसा फीलिंग आ रही है कि हम लोग तुम लोग गोद में कैसे लगते रहेंगे। जो जिसपे गया उसके पास ही है। तो गाइस अभी वक्त आ चुका है अभी नानी के यहाँ जाने का और वहाँ पे तैयारी और इफ्तारी करने का, जैसे दादा दादी के यहाँ पे जोहान ने किया और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोजा बहुत ही अच्छे से किया गाइस। इतना सताया निकले, दादी थे यहाँ पर तो जोहान की जिम्मेदारी दादी ने ले लिए थे अच्छे से। देख रहा है वो चश्मे में, कौन है चश्मे में नहीं देखा ना आपको, फर्स्ट टाइम देख रहा है चश्मा, उसको पीना फिर मालूम पड़ेगा उसको बराबर है। तो चलिए अभी हम जाते हैं, बाय बाय दादा दादी, बाय बाय। हाँ, अच्छा लग रहा है दादा सो चुके तो गाइस इसी के साथ अभी व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। लव यू, अल्लाह हाफिज।